इंदौर में कल से शुरू होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को समारोह का करेंगे उद्घाटन। डिजिटल इनोवेशन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक न्याय। डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन, कहा डिजिटल तकनीक से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना हुआ आसान। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण की शुरुआत। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का होगा उल्लेख। 2 चरणों में होगी गणना। 31 मई को समाप्त होगा सर्वेक्षण। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक। अलर्ट मोड में प्रशासन। ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए केविन मैककार्थी। 15वें दौर के मतदान के बाद हुई घोषणा। पहले ही भाषण में चीन पर साधा निशाना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के साथ साथ ऐसे मामलों में दोष सिद्धि दर में सुधार के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। चीनी विपणन सत्र 2022-23 में देश का चीनी उत्पादन 3.45 करोड़ टन रह सकता है, जो एक साल पहले की तुलना में 3.63% कम है। चीनी उद्योग के निकाय AISTA ने यह संभावना जताई है। दिल्ली की एक अदालत ने एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि उसकी हिरासत के संबंध में पुलिस की याचिका खारिज कर दी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत और अमेरिका यूक्रेन में स्थायी शांति की बहाली को लेकर सहमत है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष पर भारत समेत अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत करीबी से जुड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि ऋण पुनर्गठन के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। नकदी संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश ने भारत से ऋण पुनर्गठन का अनुरोध किया है। और चीन में कोविड को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले 1000 से ज्यादा आलोचकों के सोशल मीडिया खाते चीन ने निलंबित कर बंद कर दिए हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में 6 साल के छात्र ने अपने स्कूल में एक शिक्षिका को गोली मार दी। कक्षा 1 में पढ़ने वाले इस छात्र का शिक्षिका के साथ विवाद हुआ था। बीसीसीआई ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर मुहर लगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत के घुटने की सर्जरी कल मुंबई के एक निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई। वो मेडिकल टीम के निगरानी में है और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अगले महीने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में अपने शानदार करियर को अलविदा कहने का फैसला किया। युगल रैंकिंग में शीर्ष पर रही सानिया ने WTA से इसकी घोषणा की।